दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी ही हिला देने वाली खबर निकल के सामने आ रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है ये और आखिर इनको लेकर क्या खबर सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही मजहब के जो लोग हैं वो यकीन काफी ज्यादा हैरान और परेशान हैं। और खास बात यहाँ पर यह है कि ये वो शख्स है जो कि हर मजहब के लोगों को बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों आपको बता दूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो किसी भी तरह से तारीफ के मोहताज नहीं हैं। दुनिया जहां में इनकी जितनी फैन फॉलोइंग है शायद ही किसी और शख्स की हो। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आपको हैरानी होगी कि इंस्टाग्राम के ऊपर इनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, साथ ही साथ इन्होंने सारे रिकॉर्ड पहले ही ब्रेक कर रखे हैं। चाहे दोस्तों बात की जाए इंस्टाग्राम की, चाहे दोस्तों बात की जाए फेसबुक की या फिर ट्विटर की दोस्तों, लेकिन अभी हाल में ही जो चीज सामने आई है इनको लेकर के वो काफी ज्यादा हैरान कुन है और लोग इसे करिश्मा बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, खबर निकल के सामने ये आ रही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना एक YouTube चैनल बनाया है और जैसे ही वो चैनल बना है उस पर इतनी तेजी के साथ सब्सक्राइबर बढ़े हैं जिसकी कोई हद नहीं। यानी सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, कुछ ही घंटों के अंदर इनके 10 मिलियन भी हो गए और फिर अब दोस्तों 20 मिलियन भी हो चुके हैं। हत्ता कि जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ अभी तक इनके 34 मिलियन YouTube के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के अंदर। इतनी तेजी के साथ आज तक किसी के भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़े थे। तो असल वजह यह है कि इन्होंने तमाम ही मजहब के लोगों का दिल जीत रखा है। जी हाँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, खास तौर से मुसलमान भी इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो हमेशा से मुसलमानों को सपोर्ट करते आए हैं और खास तौर से किसी भी गलत चीज का ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। इन्हीं चीजों को देखते हुए लोगों के दिलों के अंदर इनको लेकर के मोहब्बत है और जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब ये अपना कुछ आईडी वगैरह बनाते हैं तो फौरन ही वहां पर इतनी तेजी के साथ लोग जमा होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। जी हाँ दोस्तों, इनका करीब 5 से 6 घंटे के अंदर ही सिल्वर प्ले बटन और गोल्ड प्ले बटन इनको यूट्यूब के थ्रू मिल गया था, जिसे हमें अचीवमेंट करने में करीब 5 से 6 साल लग गए, जो कि सच में एक बहुत हैरान करने वाली बात है। दोस्तों आखिर कोई इनको क्यों पसंद ना करे, जो सबके लिए बात करता हो, जो सबके लिए आवाज को उठाता हो, तो ऐसे में ऐसे शख्स को यकीनन हर कोई पसंद करता है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, मिस्टर बीस्ट की तरफ से भी आपको बता देना चाहता हूं कि उनके जो ये सब्सक्राइबर हुए थे 10 मिलियन, वो भी उनको करीब दोस्तों 1 महीने में हुए थे, लेकिन इनके देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों के अंदर इनके तमाम सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो यकीनन ये अपने आप में ही काफी ज्यादा हैरान कुन है। ऐसे में दोस्तों मैं बस यही कहूंगा कि आप अपने अखलाक को बेहतर करके रखें, अपनी बातों को ऐसा रखें कि लोग आपकी बातों को पसंद करें, किसी भी तरह से किसी गलत चीज का प्रचार वगैरह ना करें, किसी भी ऐसी चीज को प्रमोट ना करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो यकीनन आपके भी ऐसी फैन फॉलोइंग बहुत जल्दी हो सकती है। तो दोस्तों फिलहाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर तरीके से यूट्यूब के सारे जो रिकॉर्ड थे वो सब ब्रेक कर दिए, वो भी सिर्फ 48 घंटे में, और इनके सब्सक्राइबर अब कहाँ जाके रुकेंगे ये अभी तक कहना बहुत मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, हर जगह पर इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों में इनके सब्सक्राइबर हैं। वैसे भी ये फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वहीं बहुत से लोग जो हैं वो विराट कोहली को ये बात कह रहे हैं कि तुम भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर विराट कोहली अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो क्या वो भी रोनाल्डो के सारे रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या फिर नहीं? आप अपने राय जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।